टिकट और ढेर सूबे को मिलेगा और निकालने जाएंगे, अदर नहीं निकाल पाएगा। हाँ, चैलेंज और ढेर सूबे जिंदाबाद। कौन चैलेंज हो माहौल जोन बा और ढेर जी के बा और लालजी वर्मा सांसद है कुल तुहरे घर में रहे विधायक रहे सांसद रहे जनता चूतियागा जनता अगर चूतिया ना होती तो कैसे बन जाते भैया। मैं जनता चूतियाया दोनों सीटें तो इनके दे दो दुई बार विधायक रहे रहे तो रहे लेकिन अब की बार ना रही है वे पूरा बुथवा जान लो फिर अगर अभ्यर्थी जी टिकट ना पाई है तो ऐसे मामला बीजेपी गड़बड़ाई है तुरंत गड़बड़ाए सीधे अमित वर्मा जीते हैं फिर पक्का भाई। कपिल वर्मा ठोकिन ताओ वर्मा कहा हुए गया कपिल वर्मा जी ने कहा कि वो दो बार हारे हैं अगर अवधेश द्विवेदी जी ऐसे टिकट ना पाए तो दूसरा विधायक दूसरी पार्टी से पक्का जी का हाल चाल कर हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में अवधेश जी निकलेंगे इस बार अब भगवान जाने क्या होगा। अरे सब लोग यहाँ ताल ठोक रहे अवधेश जी के लिए अरे हम ताल कैसे पहले ठोक दे वोट पड़ा नहीं ताल ठोक देंगे तो जय हो जय हो ओम प्रकाश राज भर की जय हो जय हो। ओम प्रकाश राज भर ने कहा पियर का गमछा रखिए और थाने पे जाइए थानेदार की औकात बोल दे कब वो थाने गयो बहुत गांव का है भैया था तो प्रभाव कैसा रहता है बढ़िया है मैंने जो जो कहते हैं वो करते हैं करते तो ये अब की राजभर समाज का वोट किधर भैया देखा हम राजभर न वही हम वही चमार सीधी बात बताई अच्छा जे हमें चार पैसा देत बा हम वोट देब वही अरे तो के देत बा आपके मोदी देत बा वही देब अरे तब मायावती गुस्सा जी हैं आपसे फिर अरे भाई हमें खावे के आवत ना है ना सही कह रहा भैया हमारा मोदी जिंदाबाद पावत है वैसे दो चार पैसा पेंशन पाई थे कितनी पाई थे तो जे हमें दे बोलती अमित वर्मा जी को बसपा टिकट दिया अमित वर्मा जी ने कहा कि एससी हमारे हैं सब केहू क्यों नहीं आए किसी के नहीं क्यों केहू के नहीं आते जे कहे जहाँ मर्जी कहे जाए वहीं क्यों केहू को रोक न पाए। हाँ कहें कि ये एससी वर्मा हमार अब फिर किके और आई आगे हमरे कहा है वाली बात जो भैया केहू केहू वो है ना जहाँ से चार पैसा फायदा बा वहीं मनाई जहाँ अरे गुरु जी आ गए सफेद गमछा लेकिन जब कैंडिडेट नहीं क्लियर दुल्हाक पता ही नहीं दुल्हन कहाँ से आएगी। हाँ तो दुल्हाक पता लग जाएगा बस एक दो दिन और इंतजार करिए। तो दुल्हा कैसा होना चाहिए दुल्हा तो अच्छा होना चाहिए तभी तो बारात अच्छी जाएगी। दुल्हा एक दिन में ना आ जात पहले परीक्षा होत है जय हो समझ गया पहले परीक्षा होत है तब तिलक चढ़ा था बकरे बाद दुल्हा बना था तब दुल्हन आने जात है। अरे तो शेरवनिया कहाँ से आई तब शेरवनिया तैयार बा तब तैयार बा खाली और न पहरे की देरी बा का पहर देरी बा और देश जी का। हाँ अरे पहले देरी में खाली दुहत है खात है तो छोड़ देते हैं हमारी गलती है गलती आपकी है एक बार वो छोड़ाए दिन मान ले एक बार वो छोड़ाए दिन अगर दोबारा हम गलती न करी ना पाली तो उनके गलती में हमारी गलती है हम बार बार पालत है बी आई जात खा लेते हैं ओकरी बाद छोड़ देते हमारी गलती है पब्लिक की गलती है पब्लिक की है तो रात में आई हो आप के का डराई लाल जी वर्मा का कैसे लाल जी वर्मा और कैसे अमित वर्मा तो क्यों दिन खा कहीं कटहरी हमार हो नहीं किसी का दिया हुआ हम खा रहे हैं कि डरे आप बताइए। अरे नहीं आप हमको बताइए मैं किसी का दिया हुआ खा रहा हूँ कि डर जाऊंगा कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर करवा देंगे। अरे आओ हमारे शाहपुर मनियारी पट्टे बूथ कैप्चर करके देखा है क्या हालत होती है उनकी। अरे लाठी हमेशा हमेशा हम जो है हमारी वहाँ जो है बीजेपी जीतती आई और जीतती रहेगी। यादव जी लोग लाठी लेके आए कह रहे हैं। अरे यादव जी हमारे साथ है तो यादव जी लाठी कहाँ से लेके आएंगे। हाँ नहीं भैया महान नहीं है महान तो आप है हम परेशान नहीं है बीजेपी यहाँ से निकल रही इस बार निकलबे कर अयोध्या जी ने अयोध्या में तो हार गए चुनाव लोकसभा। हाँ हारे नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का घर अनवरत न कोई बना पाया न बनाएगा। हाँ
रामचरित मानस में लिखा गया है, नीलाम भुजक साम मल कोमलांगम सीता समारोह, भगवान का कलर क्या था? कटहरी में कौन कलर खिलेगा? ये बताओ पहले, यहाँ पे तो प्रभु जी हमारे है, ये तो जिंदाबाद है, ये बात जनता त्रस्त है महंगाई से। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पे विराज, कटहरी 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 बताओ कटहरी तो हम जो हुए अभी चनाहा चौराहा कटहरी भैया। अरे चनाहा चौराहा मान लो आप, लाल जी वर्मा कहे कोई टक्कर में नहीं इस बार। अब उसे कैंडिडेट उठा दे है तो टक्कर में कैसे आएगा भाई? जैसे अयोध्या में खब्बू तिवारी को लिया जेल में, अब अकड़ी बार लल्लू सिंह बहाल भय बाटे काहे कम हो गए। जमन श्लोको तुमका बताए वो का तो समझा नहीं जाओ, इस लोग ना ही चाहती बाय चाहती बाय बताओ के जीत के हारी बस। यही तो यह तो बीजेपी हमेशा जीते ताउत में जीते, दो दो बार तो जी हार गया नहीं अभी जीत नहीं है। कैसे कहा थे ना आप? हम अलग ही जाते हैं लखनऊ वाले, वो आजकल न्यूज देखा परसेंटेज एक बार तू चना चौराहा भाई बाकी। अरे लखनऊ गोली मारे पहले कटहरी देखो। नहीं नहीं पहले हम स्वयं सुधरेंगे तब अगले को सुधारेंगे ना। योगी जी दम पे दम आ रहे हैं कटहरी, तू ये सब तो बढ़िया एनालिसिस है, एक योगी एक रामदेव बाबा वाला का पतंजलि। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जो लोग दावा कर रहे हैं उनमें सही कौन है? उमा सही चाहिए कि राजनीति के जितना कैंडिडेट खड़ा हो इनका एक राजनीतिक जो डायरेक्टर से ये निर्देशक महीने में वो 10 लाख पगार लेगा, आपको खोपड़ी देगा, कैसे चुनाव लड़े चाहिए। आप बात उस क्यों समझ पा रहा हूँ? वो समझ में आए जितना जिन्हें मिले थे उनके समझ में आए। जितना चूना लगाएंगे उतना बात बढ़ाएंगे और उतने गुण रहस्य बताएंगे आप। तो रहस्य तो है ये बातें भाई, लेकिन बात सही नहीं बताएंगे। वही आए जब से देश आजाद हुआ क्यों सड़क नहीं बनवाई पाई, तो कहा खब्बू तिवारी आई के 4.5 किलो वाले कुल बनवाए न का योगी मोदी बनवाए न। एक राजू दूर कर हम कोरोना बहुत देर रात बात कोरोना बीस दिन एक मुहे को ढकेला। अरे बाबू जी इस पे परफ्यूम लगता है, इसकी सफाई होती है। अरे वो का देखे बाटू डब शैंपू लागत है के वह कुल डुप्लीकेट है भैया, ढेर ढेर पैसा खरीद लावा एक लड़ी डब और ढेर रोज लगा भैया। ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा युवा और लोग हैं भैया, क्या कहेंगे आप? यहाँ क्या माहौल है आपके यहाँ? भाजपा जीत रही है यहाँ पे, अगर सही कैंडिडेट। ये बताइए ये हर चौराहे पे अलग सिस्टम है क्या? यहाँ पे सब बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, जैसे आगे बढ़ो सब और पार्टियाँ आ रही हैं। हाँ वो तो है, जिस चौराहे पे जैसा माहौल है वैसा है, यहाँ पे भाजपा का बोलबाला है। लाल जी वर्मा दो दो बार विधायक रहे, ऐसे बेतु हराना आसान बात थोड़ी ना है। कोई बड़ी बात नहीं है, दो बार चुनाव जीते हैं, दो ब्राह्मण लड़ गए इसके वजह से जीत गए, 5-6 हजार से जीते, कोई बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीते हैं, वो 4-5 हजार वोटों से जीते हैं, दो ब्राह्मण की वजह से अयोध्या दुबे दो बार हार गए। कि योगी जी का जो मान सम्मान रखेंगे कटहरी वाले इस बार बिल्कुल रखेंगे, तो रखे भी थे, लेकिन बस वही बता रहे हैं दो ब्राह्मण की वजह से हार गए, और कुछ पार्टी के जो नेता हैं वो लोग भी विरोध में थे दुबे जी के, इसकी वजह से हार गए। जनता कह रही है सांड वाण सब फसल नुकसान हो रहा भैया। नुकसान हो रहा है तो क्या करें, योगी थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं, जनता तो छोड़ रही है तो उन्हीं का नुकसान होगा ना। लेकिन लोग तो उन्हीं को कह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने घर में थोड़ी बांधेंगे उसको, ले जाके गौशाला खुला है वहाँ पे छोड़े। गौशाला का हाल तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, हाल ठीक है और मर जा रहे हैं, रुपया सब अधिकारी लूट ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे रखेंगे, अब अपने दरवाजे छोड़ देंगे तो होगी थोड़ी पकड़ के ले जाके गौशाले में रखे गया गाय बचाओ। महंगाई बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी, हर सरकार में बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ेगी, और कोई आएगा तो क्या महंगाई कम थोड़ी कर देगा। लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं ठाकुर लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं पास पैसा है उन्हें कहाँ दिखता है महंगाई। महंगाई क्यों नहीं दिखता, सबको दिखता है, लेकिन जब जिस चीज की आवश्यकता बढ़ेगी उसकी महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही तो महंगाई बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक है। इस बार आप लोग मन बना लिए हैं? बिल्कुल बना लिए हैं, लेकिन जब कैंडिडेट नहीं क्लियर, दुल्हन पता ही नहीं दुल्हन कहाँ से आएगी। हाँ तो दुल्हन पता लग जाएगा, बस एक दो दिन और इंतजार करिए। तो दुल्हा कैसा होना चाहिए? दुल्हा तो अच्छा होना चाहिए तभी तो बारात अच्छी जाएगी। दुल्हा एक दिन मन आए आज जात, पहले परीक्षा होता है
जय हो। समझ गया, पहले परीक्षा होत है तब तिलक चढ़ा था, ओकरे बाद दुल्हा बना था तब दुल्हन आने जात है। अरे तो शेरवनिया कहाँ से आई तब? शेरवनिया तैयार बा, तब तैयार बा, खाली उन्हें पहरे के देरी बा। ये का पहर देरी बा? और भेज जी का। हाँ अरे पहले देरी बा खाली डराव रात में आई हो आप। के का डराई? लाल जी वर्मा का। कैसे लाल जी वर्मा और कैसे अमित वर्मा? तो क्यों दिन खा कहीं कटहरी हमार हो? नहीं, किसी का दिया हुआ हम खा रहे हैं कि डरे? आप बताइए। अरे नहीं, आप हमको बताइए, मैं किसी का दिया हुआ खा रहा हूँ डर जाऊंगा? कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर करवा देंगे। अरे आवे हमारे साथ पर मनियारी पट्टे बूथ कैप्चर करके देखा है? हाँ। क्या हालत होती है उनकी? अरे लाठी हमेशा हमेशा हम जो है हमारे वहाँ जो है बीजेपी जीतती आई और जीतती रहेगी। यादव जी लोग लाठी लेके आए कह रहे हैं। अरे यादव जी हमारे साथ है तो यादव जी लाठी कहाँ से लेके आएंगे? हाँ। नहीं आपके आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया कि यादव तो हमारे साथ है तो लाठी लेके कहाँ से आएगा? यादव जी लोग कह रहे हैं सारा आप गलत सार छोड़ दिए, सार योगी जी कह रहे हैं। यादव जी लोग कह रहे हैं सारा फसल नुकसान हो जा रहा हम लोगों का। मैं ये कहता हूँ कि वो गलती हमारी है, छोड़े हैं हम सब छोड़े हैं, दुहत है खात है तो छोड़ देते हैं, हमारी गलती है। गलती आपकी है? एक बार छोड़ाए दिन मान ले, एक बार वो छोड़ाए दिन, अगर दोबारा हम गलती न करी ना पाली तो उनके गलती में हमारी गलती है। हम बार बार पालत है बी आई जात कद्दू खा लेते हैं ओकर बाद छोड़ देते, हमारी गलती है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक है तो एक बार काट दुरिया गुरु जागे। सफेद गमछा शांति का प्रतीक। शांत है आप? हाँ बोले, क्या हाल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ठीक हाल है। किसे की निकली है सेफ की? हमारे यहाँ बीजेपी निकली है। दूसरी बार विधायक लाल जी वर्मा। हाँ तो ठीक है, उनको देना है टक्कर देना। पिछली बार नीतीश पार्टी न खड़ा होते तो द्विवेदी जीत जाते। अच्छा हाँ। मतलब दो कैंडिडेट ने हरवा दिया। हाँ। अपने ही अपने लोग हरवा दिया। तो अवधेश जी को आशा है टिकट मिल जाएगा? अब आशा उसको योगी जी हमारे जाने टिकट चाहे जिसको देंगे वोट कमल का होगा। अच्छा हाँ। मतलब टिकट कोई पा जाए? कोई भी पा जाए। ना ना अवधेश के अलावा दूसरा कोई आएगा तब प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जैसे अयोध्या में लगा है। अच्छा। काले राम को बैठा दिए हैं। जैसे अवधेश है, अवधेश जो है क्या 90% वो निकले हुए हैं। अब इनकी जगह बुला के इनका बैठा जाए दूसरे का तुकाराम का, जैसे ये लोग सांसद में किन है जीकत है ना दागी सांसद हर एक का। अरे तो योगी जी जनी है कि दो दो बार हार हैं तो का कर दही है सिटिया? सिटिया न देंगे तो वही 12 बजे की। 12 बजे? हाँ। तो यादव जी लोग 12 बजे पर आपका तो 12 बजे उनके 12 बजे योगी के। योगी जी का 12? अरे महात्मा तो 4 बजे उठ के पूजा पाठ करते थे। अरे यादव का कला रायगंज में दिखाई दी रठिया भाई पूजा कर बुढ़वा। हाँ अरे तो वो योगी जी हैं। योगी जी हैं तब भी ये अवधेश दुबे जी हैं, जमीन से अटैच हैं, खेत बाड़ी हर चीज से अटैच हैं, गंध है। चलिए भैया ठीक रहा। कौन प्रोग्राम पर याद है अवधेश दुबे पहले पहुंचे थे? अगर मान लिया वो दूर बात है तो उनका बंडा पहुंच जाता है वो काम के लिए। केवल बड़े लोग यहाँ जाते हैं? ना ना ना, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा जनता यहाँ यही कह रही है? जनता वो नहीं कर रही, आप गलत रिपोर्ट बता रहे हैं। अभी आप यहाँ भैया 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 कहाँ सावत हैं? मोदी रत्नाकर। गर्मा गर्म बा माहौल? माहौल गर्मा है ये बा उदेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे लागत बा कि रस उस पियाए दिए हैं का? रस नहीं, बंदे ने काम किया ना कहीं का डीजल काम किया जब विधायक है ना हुआ गड़िया ने किया उनका कौन का कौन काम किया हुआ? झूठ बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोलते, झूठ तू बोलता है। तुम लाइव का झूठ रखा हम बहुत। चलिए भैया चलिए भैया सब मिला के कोरोना गया नहीं, उसका आतंक आज भी लोगों के मस्तिष्क में छाया हुआ है। वैसे चुनाव अभी आया नहीं लेकिन प्रत्याशी जीत पहले हो गई है। अवधेश के अलावा दूसरा कोई आएगा तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। अच्छा जैसे इनका डाल नहीं है अमित सिंह कौनव सिंह ना है अवधेश दुबे जिंदाबाद की बात वही कसर। अगर दूसरा कोई पाता है वह अयोध्या वाली कहानी हो। कपिल देव वर्मा है जमन वर्मा कपिल देव वर्मा ने कहा सीट अगर हमको मिलेगी सब वर्मा ब्राह्मण हमारे। वो गलत फहमी है।
इनके गांव जितना बनाए दे बाटे और ढेर डूबे अपन मतलब सबके काम के एकदम नजदीकी जाए के साथ है कंधे से कंधा मिलाए चले वाले। आइए भैया लोग और हैं, कहा भैया का हाल है? हाल बढ़िया बा। का लग रहा आपो अवधे से बात नहीं हो? नहीं, जैसे कि अगर अवधे से टिकट ना पाइए ऐसे तो बीजेपी हार जाए। अच्छा, पक्का हार जाए? अच्छा, कहे का यह माहौल जोन बा अवधे जी के बा और लालजी वर्मा सांसद है कुल तोहरे घरम रहे विधायको रहे सांसद रहे जनता चूतियागा। जनता अगर चूतिया ना होती तो कैसे बन जाते भैया? जनता चूतिया दोनों सीटें तो इनके दे, दो दो बार विधायक रहे। अरे रहे तो रहे लेकिन अब की बार ना रही है पूरा बुथवा थवा जान लो। फिर अगर अवधे जी टिकट ना पाई है तो यहाँ से मामला बीजेपी गड़बड़ाई है, तुरंत गड़बड़ाए सीधे अमित वर्मा जीते हैं फिर पक्का बात। कपिल वर्मा ठोकिन ताओ वर्मा कहा है दिया? कपिल वर्मा जी ने कहा कि वो दो बार हारे हैं, अगर अवधे द्विवेदी जी ऐसे टिकट ना पाए तो दूसरा विधायक दूसरी पार्टी से पक्का। अमित सिंह क्या हाल है? अमित सिंह के बारे में कुछ नहीं बताए तो ये उनका यहाँ माहौल है ना एकदम वही और परी और वही पकड़िए मतलब यहाँ पूरी तरह छाए हुए हैं वही अवधे। हाँ, हमारे यहाँ अवधे छाए हुए पूरा। हाँ चलिए भैया, यहाँ पे जो चनहा चौराहा के हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे जो भी लोग थे उन लोगों का ये कहना भैया कि अगर बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे इस बार विधायक बीजेपी का बने तो अवधे द्विवेदी जी को टिकट दिया जाए। हाँ। अब देखने की बात ये है कि कुछ दिनों की और बात है। टिकट अवधे दुबे को मिलेगा और निकाल ले जाएंगे, अदर नहीं निकाल पाएगा। चैलेंज अवधे दुबे जिंदाबाद। कौन चैलेंज हो? चना चौरा पेड़ करे बैठे दूर अपने लगे सटावट। चलिए भैया पाव रखा दूरियत कैद कर। चलिए बोले 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 चले ठीक। यहाँ आप देख बाटा ये नहीं दे दिया सरकारी भूमि है तब बजट लाइन तब करीब बात बना है जानते वो भाग लेंगे आप। आइए कुछ लोग और यहाँ पे हैं, बस लास्ट बातें हैं। क्या हाल है? क्या किस पान वान खाए पूरा मस्त? किस चीज का हाल? अवधे जी का हाल चल रहा है? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है? सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अवधे जी निकलेंगे इस बार, अब भगवान जाने क्या होगा। अरे सब लोग यहाँ ताल ठोक रहे अवधे जी के लिए। अरे हम ताल कैसे पहले ठोक दे? वोट पड़ा रहे ताल ठोक देंगे तो ये लोग कहाँ से अंतर्यामी होगा? चार सौ पार वाले, चार सौ पार हुआ था तो ये लोग क्या? हम भाजपा ही है तो भाजपा ही है तो कहाँ कह रहे हैं? नहीं हुआ था तो वैसे हो सकता भाई कहीं गड़बड़ हो जाए तो। अच्छा हाँ, मैंने ओटवा कहा देंगे तब आप? भगवान जाने हम किसको देंगे, हमें फिर से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। दिल की बात जुबान पे नहीं आएगी ना है? ना तब ओठों पे ले आइए। नहीं लाएंगे। हाँ, कुछ बताएंगे नहीं ना। हाँ, कुछ नहीं बताएंगे। बताइए जिस तरह से यहाँ पूरा बम्पर हल्ला हो रहा है अवधेश जी के बारे में। हल्ला जो हो रहा है सही हो रहा है अपने आप में। अच्छा हाँ, काम करते हैं वो भाई? अब हम क्या बताएं, हमने आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ। ना हमने किसी विधायक मंत्री का सहयोग लिया है अब तक। हाँ। और ना लेंगे। हाँ। इसका मतलब आप कहीं सिफारिश करने नहीं जाएंगे? हाँ। तो कैसे काम चलता है आपका? ऐसे बैठे बैठे आप घूमती किए हैं? हाँ, ये आपका है? हाँ। ओहो, कथा खूब लगा रहे हैं तो आज के। हाँ हाँ है? भाई हम धंधे वाले हैं। हाँ। हम किसी पक्ष की बात करेंगे चाहे भाजपा हो या सपा हो। हाँ। है? तो आप डर रहे इसका मतलब फेल हो जाएंगे? डर रहे ना फेल हो जाएंगे? डर रहे आप ना धंधे से फेल हो जाएंगे? डर रहे आप? जी वर्मा का प्रभाव है इसीलिए ये पान का दुकान खोले हमारे भाई साहब। ना डर ना होता? नहीं नहीं, लालजी वर्मा का प्रभाव के कारण ऐसा नहीं है। अभाव कारण उनके
ना अभाव है ना प्रभाव है। हाँ। और क्या है तो प्रसाद है उनका। अब समझ लीजिए जो कुछ है। चलिए भैया ठीक है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत समझिए गुलाब की तरह खिले हुए हैं, पान मुंह में रहता है। और एक तो महोदय ने अभी पूरी बातें बता दिए, तो सब मिला के यही रहा कि यहाँ टक्कर बहुत तगड़ा भैया है, आइए फिर किसी और जगह पे ले चलेंगे आपको। जय हिंद जय भारत।